गायत्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्रीज क्रिएटिव डायरीज। तो टाइटल पर के आपको आज का वीडियो का टॉपिक तो समझ में आ चुका होगा कि आज होने वाला है बेडरूम मेकओवर। तो इससे पहले मैंने इस घर में शिफ्ट होने के बाद एक ही मेकओवर शेयर किया है, वो भी लास्ट वीक ही शेयर किया है, वो है बालकनी मेकओवर। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। बहुत ही प्यार से मैंने वो वीडियो बनाया है और जो जिन लोगों ने भी देखा है उन्होंने बहुत सारा प्यार उसको दिया है, तो थैंक यू वेरी मच। देखते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगता है। जो भी मैंने प्लानिंग की है तो वो भी मैं इसको बताऊँगी। बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स नहीं ऐड करेंगे, बहुत ही फंक्शनल वे में हम बेडरूम को डेकोरेट करेंगे। तो देखते हैं कि वो हम किस तरीके से करते हैं। Before starting the video, I want to share you a one beautiful product which I received from the brand called Zoo. तो उन्होंने ना मुझे ये beautiful सा bag gift किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। और इसका साइज़ आप देखोगे ना तो मेरा लैपटॉप है वो भी इसमें सही से आ जाता है। हालांकि उनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ है जिसके लैपटॉप बैग भी अवेलेबल है, स्लिंग बैग्स भी अवेलेबल है, लेकिन ख़ास बात ये है ना इनके ब्रांड के प्रोडक्ट्स ऑल वीगन लेदर से बनाए हुए हैं और जूट हैंडमेड है, जूट फैब्रिक यूज़ किया है और उनके जो प्रिंट्स हैं ना बहुत ही अलग है। तो आप उनकी वेबसाइट और इंस्टाग्राम पे ज़रूर चेक कीजिएगा। उनके सारे वेबसाइट के लिंक और इंस्टाग्राम के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप इन केस ये इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए तो आप मेरे सब्सक्राइबर हो, इसीलिए आपको एक स्पेशल कोड दिया जाता है। अगर आप ये डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मुझे तो ये बैग बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा बैग तो प्लीज़ और भी सारे बहुत सारे ऑप्शंस आपको उनके पेज पर मिलेंगे, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द बेडरूम मेकओवर। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। यहाँ पर एक पैलेट बेड है और मैट्रेस है, कर्टन्स है और एक साइड पे कबर्ड है, तो बाकी कुछ नहीं है। और ये कॉर्नर में मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है, दो शेल्फ्स आएंगे, साइड टेबल, प्लांट्स और एलईडी बल्ब्स। तो शेल्फ लगाने के लिए यहाँ पर मैं टिम्बर शॉप से या मैं सॉमिल से ये पाइन वुड के प्लैंक्स लेके आई हूँ, जो मेरा मेजरमेंट है उसी के हिसाब से मैं वो लेके आई थी। और उसी के साथ मैं एंगल्स जो एल ब्रैकेट्स आते हैं वो भी लेके आई हूँ। अब इसको पहले मैं स्मूथ करूँगी क्योंकि एजेस रहते हैं थोड़ा सा रफ रहते हैं, तो उनको हम सैंडिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं उसको एक वॉर्निश कोट लगाऊंगी। यहाँ पर आप टच वुड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टच वुड का थोड़ा सा टिंट जो आता है येलोइश डार्क आता है, तो मुझे थोड़ा सा फेंट चाहिए था, इसीलिए मैं मेलामाइन यूज़ कर रही हूँ। मेलामाइन में मेलामाइन और हार्डनर और थिनर रहता है, वो अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वुड टिंट भी ऐड कर रही हूँ, उसी में ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो पहले वुड स्टेन जो आता है वो लगाना है, उसके बाद ये कोट करना है। अभी कोट रोलर्स के साथ या क्लॉथ के साथ आप लगा सकते हैं। तो ये होने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। डायरेक्टली शेल्फ भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वो साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, कस्टमाइज नहीं कर सकते, तो मुझे ये कस्टमाइज़ करना था इसीलिए मैं ये प्लैंक लेके आई थी। अब ये पूरी तरीके से सूख चुके हैं, अब इसको हम वॉल के ऊपर लगाते हैं, इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरीके के एल ब्रैकेट्स में लेके आई थी, छोटे से ही लगेंगे क्योंकि ये शेल्फ बहुत बड़ा नहीं है, 3.5 इंच का ही उसका विड्थ है। तो यहाँ पर मैं ड्रिल कर रही हूँ। तो पहला वाला शेल्फ मैंने साइड बाय साइड ऐसा वॉल के ऊपर लगाया था क्योंकि एक साइड पिलर था, और दूसरा वाला मैंने डायरेक्टली सीधा वॉल के ऊपर एल ब्रैकेट लगाया है क्योंकि ये नीचे वाला इतना स्टडी नहीं हुआ इसीलिए। अब प्लैंक्स को भी मैं सिर्फ रख नहीं रही हूँ, उसको भी स्क्रू करके मैं अटैच कर रही हूँ ब्रैकेट के साथ ही। तो इसके ऊपर कुछ भी आप रखेंगे, हेवी चीज़ भी, तो ये गिरेगा नहीं। अब यहाँ पर मैं एक लाइट्स ऐड करूँगी। तो ये है एलईडी लाइट्स जो कि हम चार्ज भी कर सकते हैं, और उसके पीछे मैग्नेट स्टिकर आता है। तो मैग्नेट स्टिकर मैंने शेल्फ के ऊपर एक लगा दिया और उसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं, कभी भी निकाल के उसको चार्जिंग करके लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर मैं इसको स्टाइल करूँगी। स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जो चाय वाले कुल्लर्स आते हैं या लस्सी वाले जिसमें मिलती है, तो ये मेरे पास थे वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और यहाँ पर DIY थोड़ा सा जो पुराने बहुत पुराने DIY है वो यहाँ पर लगा रही हूँ। ये एक DIY फ्रेम थी जो कि 2-in-1 है। आप इस साइड से देखेंगे एक अलग फ़ोटो दिखेगा, दूसरे साइड से एक अलग फ़ोटो दिखेगा। अब यहाँ पर जो वॉल है विंडो के साइड, यहाँ पर मैं ये कार्डबोर्ड से बनाया हुआ वॉल डेकोर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। नेल्स की ज़रूरत नहीं है, और ट्रिक जो मैंने बताई थी मैग्नेट से मैं यहाँ पर उसको लगा रही हूँ। अब नीचे वाला शेल्फ में मैंने एक हुक ऐड कर दिया है, वहाँ पर मैं ये बैग ऐड कर रही हूँ ताकि जो स्विच बोर्ड है वो हाइट भी हो जाए और फंक्शनल भी है। अब यहाँ पर हम बेडशीट चेंज करेंगे। बेडशीट मैंने ये कलर की यूज़ किए हैं, और कर्टन्स हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि कर्टन्स ये ना मैंने अभी अभी लगाए हैं और नए भी हैं, और ब्लैकआउट्स कर देते हैं पूरा, क्योंकि मुझे ब्लैकआउट कर्टन चाहिए था बेडरूम में इसीलिए। और उसी के हिसाब से मैंने बेडशीट्स सिलेक्ट की है, और ट्रॉपिकल थीम है, बहुत ही अच्छी दिखते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, कर्टन बार बार नहीं चेंज कर सकते थीम के हिसाब से, तो आप कर्टन ऐसा चूज़ कीजिए जिसके साथ आप 2-3 कलर के बेडशीट यूज़ कर सकते हैं जो थीम के अकॉर्डिंग आपकी अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर मैं कुशंस ऐड कर रही हूँ, थ्रो कुशंस जो कि DIY हमने बनाया था, आई होप आपने ये देखा होगा। अब बारी आती है एक DIY करने की, तो ये स्टिमर जो रहता है ना, तो उसके ऊपर का ये पोर्शन है जो स्टीमर ख़राब हो गया और ये भी ऐसे ही पड़ा था, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लैम्प में। इसको मैंने स्प्रे पेंट कर दिया है, गोल्डन स्प्रे पेंट, और ऊपर की तरफ एक होल बना दिया। अब वहाँ से होल से थ्रू एक वायर पास की है मैंने, और यहाँ पर मैं LED बल्ब लगा रही हूँ, और ये कुछ इस तरीके से हमारा लैम्प रेडी हो जाएगा। अब हम साइड टेबल्स यहाँ पर लगाएंगे। साइड टेबल के तौर पर जो स्टैकेबल चिल्ड्रंस का कबर्ड रहता है उसको मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया और दोनों साइड में यूज़ कर दिया। पूरा फंक्शनल वे में हम इसको डेकोरेट करेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजर्स, फ्लावर्स। तो दोनों साइड टेबल्स हम फंक्शनल वे में डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये जो टेराजो वाला प्लांटर था वो एज ए ऑर्गेनाइजर यूज़ करूँगी। कुछ भी चीज़ें हम यहाँ पर डाल देंगे, एक प्लास्टिक वाला ऑर्गेनाइजर। और यहाँ पर स्विच बोर्ड के यहाँ पर एक नेल था ऑलरेडी, तो वहाँ पर मैं ये हैंगिंग प्लांटर लगा रही हूँ। और ये प्लांट अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने पेंट किया था बहुत साल पहले, तो कुछ इस तरीके से हमारे बेडरूम डेकोर हो गया है। ये देखिए, ये बिफोर और आफ्टर क्लिप्स में डाल रही हूँ, कुछ इस तरीके से हमारा ये डेकोर रेडी हो चुका है। शेल्फ्स ऐड करने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये कॉर्नर। और दूसरी वाला कॉर्नर मैंने बहुत सिंपल रखा है, जिसमें मैंने सिर्फ 2 वॉल डेकोर लगाया है जो कि DIY है, एक लैम्प और साइड टेबल, बस इतना ही। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, तो आपको इस तरह के नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए DIY के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।